हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फ्री लेक्चर सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि या आप लोग एग्जाम को फेस करते हैं, तो जब आप साइंस का जब सेगमेंट जब आता है आपके सामने, तो वहां पे एक ना एक क्वेश्चन आप लोग सदिश राशि और अदिश राशि से देखते होंगे। ठीक है, ये अक्सर सारे एग्जाम में मतलब मैक्सिमम एग्जाम में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो हम लोग देखें कि सदिश राशि और अदिश राशि को हम लोग कैसे बस 5-7 मिनट में हम लोग इसको कैसे कवर कर लेते हैं, जो कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाने हम लोग कि सदिश राशि क्या होता है। ठीक है, तो सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो तो सदिश राशि कहलाता है, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो यानी दिशा का अभाव हो, दिशा न हो, तो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ठीक है ना, तो सदिश राशि अदिश राशि क्या होता है ये आप लोगों को सब्जेक्टिव एग्जाम जब आप लोग देखने जाएंगे लिखने जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को लिखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे मतलब आप ऑप्शन में भी देखेंगे कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो तो सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें दिशा का अभाव हो या जिसमें परिमाण सिर्फ परिमाण हो तो उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि अदिश राशि ये जान ले, तो हम लोग देखेंगे सदिश राशि में ऐसा क्या क्या चीज आता है। जैसे कि जब आप आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे आप कंफ्यूज कर जाते हैं ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और एग्जाम में 1-2 मार्क्स बढ़ाने के लिए आज ये हम लोग एक कीवर्ड की तरह, ठीक है ना, एक ट्रिक बना के हम लोग उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सदिश राशि के हम लोग कैसे याद करते हैं। जैसे देखिए IAF, ठीक है, सबको जानते होंगे इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स ये तो सबको जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग IAF पे बना दिए, इसमें एक ट्रिक बन गया IAF। जैसे में एग्जाम में आपका है IAF, वहां पे देखेंगे कि IAF पहला लेटर IAF है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आई आए तो आपका इंपल्स दिख जाएगा, इंपल्स दिखेगा आवेग यानी कि सदिश राशि है। जल्दी से हम लोग टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो विद इन सेकेंड आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से एक्सीलरेशन A4 एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन A4 एक्सीलरेशन A4 फोर्स। ठीक है, तो हम लोग का कंप्लीट हो गया इंडियन एयर फोर्स किसमें आ गया, तो इंपल्स एक्सेलरेशन एंड फोर्स में आ गया। ठीक है, यानी कि आवेग त्वरण और बल में आ गया। बहुत इजी, देखें याद हो गया ना। तो IAF या जैसे ही क्वेश्चन आएगा इंपल्स सदिश राशि है या अदिश राशि, या निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पे देखेंगे हम लोग इंपल्स एक्सेलरेशन और फोर्स। ठीक है, यानी आवेग त्वरण बल। ठीक है, उसी तरीके से DAV। ठीक है, DAV स्कूल के बारे में तो जानते होंगे ना, तो DAV स्कूल को हम लोग A को M से रिप्लेस कर दिए, तो DMV। ठीक है, तो D4 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, M4 मोमेंटम हो गया, V4 वेलोसिटी हो गया। ठीक है, उसी में आपका भार याद रख लेंगे, तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको याद कर लिए। ठीक है, I4 इंपल्स, A4 एक्सेलरेशन, A4 फोर्स, D4 डिस्प्लेसमेंट, M4 मोमेंटम, V4 वेलोसिटी एंड भार को अलग से याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे किस तरीका से हम लोग यहां पे याद रख रहे हैं, तो इंडियन एयर फोर्स DMV, जैसे ऐसे भी ट्रिक बनाया जाता है ना कि जिसमें व ब आई ओ हमेशा सदिश राशि होता है, व और ब आए उसमें सदिश राशि होता है। तो देखिए जैसे भार है, तो भार में तो व और ब नहीं आ रहा है, तो यहां पे हम लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ट्रिक ऐसा देखने को मिलता है आपको कि वहां पे व और ब को लगा दें तो हम लोग बन जाएगा, लेकिन हम लोग यहां पे देखें कि इंडियन एयरफोर्स IAF DMV ऐसे बार बार आप लोग रट लेंगे IAF DMV आई फॉर इंपल्स, ए फॉर एक्सीलरेशन, ए फॉर फोर्स, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, एम फॉर मोमेंटम, बी फॉर वेलोसिटी और भार दोनों याद रख लें। तो देखिए कितना इजी में आपका आपका सदिश राशि याद हो जाता है, जो कि यही क्वेश्चन में आपको जो यही से आपको किसी न किसी सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
ठीक है ना। तो आप एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे कर ले जाएंगे अगर आपको आपको याद हो गया इंडियन एयरफोर्स डीएमवी, ठीक है। तो इंपल्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं आगे का कि आगे हम लोग कैसे याद करते हैं कि अदिश राशि किसको बोलते हैं। देखिए आप सभी के दादाजी होंगे, ठीक है, और जिसके दादाजी नहीं होंगे वो बगल वाले दादाजी को याद कीजिए, बगल वाले दादाजी को याद कीजिए। और जब आप हरियाणा तरफ जाएंगे तो वहां पे ताऊ बोलते हैं, मैक्सिमम जगह ताऊ बोलते हैं, कहीं कहीं दादाजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ठंडा में जो दादाजी होते हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल मोमेंट में होते हैं, वो लोग ऐसा लगता है कि बस इसी ठंडी में पारने लग जाए, तो इसीलिए उस पर हम लोग लगा बना देते हैं, ठीक है ना। आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, ठीक है, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। ठंडा का मौसम याद कीजिए कि ठंडा का मौसम है, दादाजी बुजुर्ग हो चुके हैं, और जब आकाश में चाद मतलब कि ये बादल छाता है या ओला पड़ता है या जिसको लोग पाला बोलते हैं, जब पाला पड़ता है ठंडा तेज होता है तो दादाजी चिंता में आ जाते हैं, ठीक है ना, कि आकाश में घनी चादर आ गया, अब ताऊ जी दुविधा में है कि क्या इस बार बचेंगे या इस बार निपट जाएंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम लोग उसी ट्रिक पे हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, जैसे आकाश पर घनी चादर, ठीक है, आकाश स को आपका इस स से, ठीक है, तालाब स को आपका स से हम लोग रिप्लेस कर दिए, तो आ से आयतन, ठीक है, तो आ से आयतन हो गया, का से कार्य हो गया, स से समय हो गया, ठीक है। आ का देखिए आ का स, ठीक है, आकाश आकाश में हुआ, आयतन कार्य समय, आकाश आयतन कार्य समय, आयतन कार्य समय, पर से आपका देखिए यहां पे परिणाम हो गया, ठीक है। उसी तरीका से आप देखिए घनी, घनी से घनत्व याद रखिएगा, घनी यानी कि घना है वो, तो घना है तो घनत्व तो हुआ, ठीक है। उसी तरीके से चा से आपका चाल हो गया, चादर से हम लोग चाल और द्रव्यमान बना दिए, ठीक है, चा से चाल हो गया, दर से द्रव्यमान हो गया आपका, ठीक है, ये दर से हम लोग क्या हो गया, द्रव्यमान बन गया। उसी तरीके से ताप बन गया, देखिए यहाँ पे ताप है, ताप बन गया, ताऊ जी से ताप और ऊर्जा, ताऊ जी का तापमान गिरेगा तो उनका ऊर्जा समाप्त होगा, ठीक है, यानी कि तापमान गिर रहा है ऊर्जा समाप्त होगा, कहीं वो निपट ना जाए, ठीक है, इसीलिए ताप हो गया ऊर्जा हो गया। उसी तरीके से दूर से दूरी हो गया आपका, दूरी हो गया। उसी तरीके से वी से विद्युत धारा हो गया, धा से धा को दा से हम लोग इसका रिप्लेस कर दिए, तो दा से दाब हो गया, म से मात्रा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए सदिश अवधिश राशि किस तरीके से कवर होता है, ठीक है, बस 5-7 मिनट में आपका सदिश राशि अधिश राशि याद रहे। आकाश में घनी चादर ताऊ दुविधा में, तो जैसे ही आए तो जैसे आयतन आपको मिल गया, तो देखेंगे आकाश था आयतन, आयतन किस में था, ताका अधिश राशि में था, ठीक है, क्योंकि सदिश राशि में तो बस नहीं है आई ए एफ डी एम भी और भार है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब देखेंगे कि यहाँ पे अधिश राशि है तो आयतन आ गया या कार्य आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा अधिश राशि है, उसमें से 3 ये दे दिया, 1 ये दे दिया, ठीक है, या बिहार विशेष में जब आप देखेंगे वहां पे 5वां ऑप्शन होता है, ठीक है, आयतन और समय दे दिया, आयतन समय कार्य दे दिया, और यहां से एक एक यहां से दे दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग वहां पे ई ऑप्शन लगाएंगे। तो देख रहे हैं आकाश को हम लोग कैसे, आकाश को आयतन कार्य और समय में बदल दिए, ठीक है, उसी तरीके से पर को हम लोग परिणाम में बदल दिए, ठीक है, घनी को घनत्व में बदल दिए, चा को चाल में बदल दिए, दर को द्रव्यमान बदल दिए, और आपका देखेंगे ताऊ को ताप और ऊर्जा में बदल दिए, दुविधा को दूरी विद्युत धारा दा में बदल दिए, मे को मात्रा में बदल दिए। तो इस तरीके से जब आपको याद करना हो तो आपने एक शीट पे लिख के A4 साइज पेपर पे लिख के जहां आप लोग पढ़ते हैं वहां पे चिपका दीजिए, ठीक है, वरना कहीं पे आप जैसे वॉक कर रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, ये बस में बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं पे, तो बस 5-7 मिनट का ऐसा वीडियो जब आप देखेंगे ना तो आपको ये रिटेन हो जाएगा। इसमें ना ज्यादा आपको टाइम लगना है ना आपको स्पेशल टाइम देना है, और जल्दी से याद होगा, और आपका चलते फिरते
एग्जाम से पहले 10 मिनट पहले जब आप देखे आप वहां पे इंटर करेंगे तो आपको वहां पे दिमाग में रहेगा और आप एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर जाएंगे। तो ये कॉस्ट बेनिफिट यहाँ से ज्यादा होता है। बस इस तरीके से ट्रिक बना के आप लोग पढ़ें और लिख लें, और उसमें भी ना हो तो स्पीड बढ़ा बढ़ा के इसको बार बार देखने से आप इसको अच्छा से कर जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसा ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो जहां से क्वेश्चन आपको बन सके, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बेस्ड या ट्रिक पे बनाकर आपको इस पे दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग बस अच्छा से पढ़ाई करें। थैंक यू।